यू बात है तो ठीक है। तो जैसे ही मैंने पहली बॉल कराई तो शर्म लग रही बताने में। बता बता काहे को, काहे को तेने पहली बॉल कराई, काहे को फिर? तो विराट विराट कोहली सर मेरी बॉल न देखी, कान पे तो हो गई फर से ना। का तेरी पहली बॉल ही ना देखी? ना बिल्कुल बिल्कुल भी ना देखी। मैं खुद अचंभे में हूँ, यह बात है ना, बॉल ही ना देखी मेरी। वाय का जितने भी बॉलर खड़े मेरे ढिंग बुमराह सिराज और मेरे बॉलर है उन्हें भी ना देखी मेरी बॉल। यार श्यामवीर अगर इंडिया ऐसी खेलती रही ना तो अब के वर्ल्ड कप हमारा ही है। हाँ गज्जू तेरी बात में कोई शक ना है। हाँ मैं बता रहा हूँ तेरी बात में कोई शक ना है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ तू। यह बात है अगर इंडिया ऐसी खेलती रही ना तो पक्का वर्ल्ड कप उठा लेगी। इंडिया धोई ऐसे रही और देश की टीम ने। आज के जमाने में पता ना कैसा क्रिकेट चल रहा है। हाँ मेरे तो कुछ समझ में ना आ रहा कैसा क्रिकेट चल रहा है। पहले कहाँ 250-300 रन बनाने भारी पड़ जाए, अब तो 400-450 रन बना रहे हैं। बताओ मुन्ना लाल सही कह रहा हूँ ना मैं? यह बात है ए पहले मुझको समझा तो सही, तुम का बात कर रहे हो और का चीज के बारे में बात कर रहे हो? कहा है यू खिर 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 क्रिकेट? अगर कोई खाने की चीज है तो मुझको स्वाद बताओ, खट्टो है, मीठो है, फीको है, चरपर हो है, है, है कैसो है? या कोई पहनने की चीज है, मोटो है, गर्म है कपड़ा, या सर्दी के मतलब को या गर्मी के मतलब को? पहले मुझको समझाओ तो सही का चीज के बारे में बात कर रहे हो तुम, तभी तो मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे पाऊंगा कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए। हैं बताओ बताओ क्या चीज के बारे में बात कर रहे हो तुम? मत एक बात बता तुम को, क्रिकेट के बारे में जाना तू? यू नाम तो मैंने पहली बार सुना। कहा चीज है बताओ तो सही, तुम ऐसा देख रहे हो मेरे में? बताओ कहा चीज है? बॉल तो जानते होगा, बॉल बॉल और बैट, या जाने ना जाने? गेंद बल्ला इन्हें इन्हें जाने? हाँ गेंद बल्ला इन्हें तो मैं जानू, इन्हें जानू। खूब गेंद बल्ला बजाया मैंने बारे में, हाँ खूब खूब गेंद फाड़ी है मैंने, हाँ खूब छक्का चौका मारे मैंने। तो तब से हम यही चीज के बारे में तो बात कर रहे हैं, यही चीज के बारे में तो बात कर रहे हैं। क्रिकेट क्रिकेट ही तो कहे, यह चीज है गेंद बल्ला है, क्रिकेट ही तो कहे। अपने जमाने में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो ना तू तो यू नो बतलाती आज। हाँ तो क्रिकेट के बारे में जानकारी ना, क्रिकेट काय कहे काय ना कहे? ए क्रिकेट थोड़ी कहे यार, जब हम खेलने जावे का तो ऐसे कहे आओ गेंद बल्ला खेलने चल रहे हैं, आओ जल्दी कौन कौन चल रहा है बारे में आओ गेंद बल्ला खेलेंगे, ऐसा कहे। क्रिकेट क्रिकेट तो आज मैंने पहली बार ही नाम सुनो। तो यहाँ के बारे में पूछ रहे तुम मुझे? अच्छा अच्छा बहुत बहुत रन बना रही है भारत, सही सही कह रहे हो तुम। यह बात भारत की टीम में वो है ना सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर इतना बल्ला बजा रहा है, हाँ इतना बल्ला बजा रहा है, फाड़ के धर दिए गेंद फाड़ के। हाँ हाइट बिल्कुल छोटी सही, बाकी उम्र पे मत जाइए अभी तुम। हाँ बाकी उम्र पे मत जाइए, बहुत बल्ला बजा रहा हूँ, बहुत बल्ला बजा रहा हूँ। बॉलर कांप रहे बात है, कांप धड़ 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 कांप रहे बॉलर। कह के छक्का मार दे, कह के देख ओए तू आयो का तू ले छक्का ले, चौथी बॉल पे आपका छक्का मारूंगा तेरी पे। हाँ कौन कौन सही खेल रहा भारत की टीम में आपको बताइए? सचिन तेंदुलकर। अरे जब मैं 14 साल को हटरा, 14 साल को वाई की बैटिंग देख के मैं हेक्सपायर हुआ और मैंने तख्ता में थे लकड़ी को बल्ला बना दिया। आज से मैं भी यही की तरह खेलूंगा, मैं भी भारत की टीम में जाऊंगा और यही की तरह बल्ला बजाऊंगा। का हुआ तू वाई की बैटिंग देख के? हेक्सपायर। जब तो पे इंग्लिश बोलनी ना आवे तो काई को बोले है? यह बात बता काई को बोले जब तो पे इंग्लिश बोलनी ना आवे तो? हेक्सपायर ना हेक्सपायर। अरे जब मैं कह रहा हूँ मैं वाई की बैटिंग देख के सीखूं क्रिकेट खेलना, बहुत बढ़िया खेला हूँ तब भी और बहुत बढ़िया खेल रहा हूँ अब भी। हाँ या वर्ल्ड कप में अब का सचिन तेंदुलकर की वजह से टीम जीतेगी। हाँ 2023 में गज्जू मैं तो कह रहा हूँ भैया, मैं तो कह रहा हूँ या भगा देना यहाँ से, नहीं आके मैं कान पर धर दूंगा। हाँ। देख ले बुढ़ापो आ गया, बुढ़ापो आ गया कि चांद के सगरे बार उड़ गए और अब भी सूखे गोला फेंक रहा है। हाँ अब भी सूखे गोला फेंक रहा है और जवानी में भी सूखे गोला फेंक रहा और बुढ़ापे में भी सूखे गोला फेंक रहा। यहाँ के गोलन बंद करवा दे, नहीं मैं ए आराम से गुस्सा मत हो। ए चल कोई ना अब सही ना खेल लो, अब सही ना खेल लो सचिन तेंदुलकर। पहला सही खेल लो, हाँ पहला सही खेल लो, अब मान सकूं मैं, अब सही ना खेल लो, अब ना फेंक रहा सूखे गोला रहने दे। इधर सचिन तेंदुलकर ने जन कब को क्रिकेट छोड़ दिया, जन कब को क्रिकेट छोड़ दिया बूढ़ा है, बूढ़ा हमारी तरह बूढ़ा है और तू अब भी वापस छक्का चौका लगवा रहा हो? वो सचिन तेंदुलकर हमारे जमाने में बढ़िया खेले हो, अब ना रहे हो, हाँ अब ना रहे हो, अब तो संन्यास लेगा घर पे बैठोगे अपने, अब नए प्लेयर खेलने, नए प्लेयर जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं टीम इंडिया में। अच्छा तो संन्यास ले लियो वाने? हाँ संन्यास ले लियो। तो वाने संन्यास ले लियो तो क्रिकेट कौन खेलो? यहाँ पे मैं बताऊँ कौन खेलो? ए गुस्सा मत हो खेलन दे उन्हें, खेलन दे, चल चल कोई ना खेलन दे, जो भी खेल लो खेलन दे उन्हें। ए चाचा मुझे लगा तुम तगड़ी तगड़ी फैन दिखो टीम इंडिया के हैं।
हाँ? हाँ बेटा, हम तो बचपन से ही टीम इंडिया के फैन है। हाँ, बहुत बहुत क्रिकेट देखे हम। वो तो मोगू तुम्हारी बातों से ही पता चल रहा, तुम कितने बड़े फैन हो क्रिकेट के। हाँ बहुत बहुत बड़े फैन लग रहे हो तुम मोगू। चाचा कुछ समय बाद हम भी तुम्हें इंडिया टीम में देखेंगे। हाँ? हाँ, हम दोनों इंडिया टीम में जा रहे हैं। अगले साल भर्ती है हमारी इंडिया टीम में। तुम्हें काहे को ले रहे हो इंडिया टीम में? अरे चाचा कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें कैसी बात कर रहे हो। मैं इंडिया का हूँ तो इंडिया की टीम में ही तो जाऊंगा, कौन सी पाकिस्तान की टीम में चला जाऊंगा मैं। है इंडिया को नमक खाया मैंने, इंडिया का खून मिट्टी मेरे शरीर में मिली पड़ी है, तो इंडिया टीम में ही जाऊंगा मैं। पाकिस्तान की टीम की माँ बहन एक कर दूंगा मैं। हाँ, इंडिया टीम में जाके। अरे बेटा, मैं तुझसे ये पूछ रहा हूँ, तेरा सिलेक्शन कैसे हो गया इंडिया टीम में? है हट, मैं बात करूँ। चाचा हम यहाँ हमारा सेलेक्ट है गए इंडिया टीम में, क्योंकि मेरे दादा परदादाओं में क्रिकेटरों का खून दौड़ रहा है, इसलिए मेरे अंदर भी कला थी, एक जुनून था क्रिकेट का, इसलिए मैं सेलेक्ट हो गया हूँ इंडिया टीम में, समझे। हमारे जो पूर्वज थे ना, वो माधर चोद कान मार दूंगा हूँ। तेरे दादा परदादा में होगा क्रिकेटरों का खून, मेरे में तो ना। ना तो पीछे हमें तुम तक बात बनानी, बहुत बहुत समझाने आ रहा तो कैसे समझा करें, कैसे ना समझा करें। दौड़ रो इनके दादा परदादा में क्रिकेट रन को खून, माधर चोर सहून नहीं है एक भी। चाचा ऐसा हो, जब मैं रास्ता से गुजर के जा रहा हूँ ना, तो विराट कोहली प्रैक्टिस कर रहा हूँ नेट में। हाँ, तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वहाँ को बॉलर ना मिल रहा, कोई बॉलर मोहम्मद शमी हो तो वहाँ तो धो रहा हूँ बहुत अच्छी तरह से, तो मैं दिख गो वहाँ को। ऐसी बात ना है, और बॉलर ना है वहाँ पे, और बॉलर भी है, बुमराह भी हो, बुमराह जो गुमराह कर दे हर कहीं है वो भी हो, और मेरे बॉलर है सिराज भी हो, पर उन्हें वो रोज खेले हो, वो कोई नया तलाश रहो नया। तो विराट कोहली की नजर सीधे ही मुंह पे पड़ी, मुंह पे मेरी बाजू में, पतो ना उनने कहा देखो ऐसो, तो पतो ना एक संग चौंक गए कि हाँ यू चाहिए मुझको यू। तो मैं जैसे ही गुजर रहा हूँ ना, तो विराट कोहली सर ने मुझको आवाज मारी, ओए ओए लड़के इधर आ इधर। और फिर मैंने कही मैं, उनने कही हाँ हाँ तू इधर आ। तो मैंने सोची इतने बड़े क्रिकेटर मोए काय को बुला रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कहीं पानी वानी मंगवा रहे होंगे, बेटा पानी पानी पकड़ा देंगे मुझको, तो मैं चलो। तो फिर उनने मेरे हाथ में बॉल पकड़ा दी, सिराज पे तो बॉल छीनी और सीधे मेरे हाथ में दे दी। हाँ, सिराज पे तो बॉल छीन के सीधे मेरे हाथ में दे दी, और मैं चौंक गो, उरे तुमने मोगू काई को बॉल पकड़ा दी। तो उनने कहा बेटा मुझे तेरी बाजुओं में कुछ दिख रहा है, अलग दिख रहा है, तू मुझको बॉल करा। मैंने कही ए सर, विराट कोहली सर, तुम काई को मजाक कर रहे हो, मोते हैं काई को मजाक कर रहे हो, मैं कहाँ बॉल करा पाऊंगा तुमको, मैंने तो आज तक बॉल ना गेरी। फिर भी पतो ना उन्हें का लग रहा मेरे हाथ में देख कर के, हाँ बेटा तू बॉल गेर सकता है मुकू, तू मुझे चकमा दे सकता है अपनी बॉल से। तो उनने कही बॉल करा, तू करा एक बार मुकू बॉल। तो मैंने कही चलो यू बात है तो ठीक है। तो जैसे ही मैंने पहली बॉल कराई तो शर्म लग रही बताने में। बता काहे को तेने पहली बॉल कराई, काहे को फिर? तो विराट कोहली सर मेरी बॉल ना देखी, कान पे तो नहीं हो गई थर से ना। का तेरी पहली बॉल ही ना देखी? ना बिल्कुल भी ना देखी, मैं खुद अचंभे में हूँ। यह बात है ना, बॉल ही ना देखी मेरी, जितने भी बॉलर खड़े मेरे ढिंग, बुमराह सिराज और मेरे बॉलर है, उन्हें भी ना देखी मेरी बॉल। चौंक तो मैं जब गयो जब विराट कोहली सर मुंह से यूं कह रहे कि बॉल फेंक तो दे, के हाथ में पकड़ रखी है, और मैंने बॉल फेंक दी, उन्हें दिखी ना, उन्हें कहिए उन्हें दिखी मेरे हाथ में, तो या स्पीड से बॉल गई लेकर। तो फिर मैंने विराट कोहली सर से कही के ए सर, मैंने बॉल फेंकी तो ही तुम्हारे कान पे तो गई, अभी तुम्हारा थोबड़ा बच गया, थोबड़ा फूट जाता तुम्हारा। फिर विराट कोहली खुद सदमा में, उड़ा इतनी तेज स्पीड जो मैं देखी ना, मैं तो यहाँ सोच रहा हूँ कान के ढंग के हवा का झोंका गया दिखे, फिर मुझे का पता ही तेने बॉल फेंकी है ये। ऐसा तेने कितने की स्पीड पे बॉल फेंक दी, जो विराट कोहली के संग संग कई बॉलर है भी बॉल ना चमकी के बॉल फेंक दी है यानी? 325 की स्पीड से फेंकी। का 325? हाँ,
तो फिर वो चौंक गए, सगड़े चौंक गए और मैं भी चौंक गया कि बताओ मैंने 325 की स्पीड से बॉल फेंक दी है। तो फिर सिराज और जितने भी है ना सगड़े फुक गए, मुझे फुक गए, बताओ याने कैसे इतनी की स्पीड फेंक दी। तो फिर विराट कोहली सर ने कही मोते दोबारा फेंक तू बॉल, हाँ दोबारा फेंक। तो फिर मैंने जैसी दोबारा बॉल फेंकी, हाँ फिर क्या हुआ? फिर हुआ यू, मैंने स्लोर वन बॉल फेंकी, स्लोर वन क्या विराट कोहली सर दिख जावे बॉल, या मारे मैंने स्लोर वन फेंकी अपने आप के। तो विराट कोहली सर पे वो बिना पिटी, बताओ बड़े अचंभे की बात है, विराट कोहली सर पे स्लोर वन बॉल बिना पिटी, बिल्कुल मैंने लुल्ली बॉल फेंकी, लुल्ली के हाँ यार तो पीटी दंगे विराट कोहली। स्लोर वन बॉल की कितनी स्पीड? 253 प्रति घंटा की स्पीड तुम्हारी हूँ स्लोर वन। तो विराट कोहली सर कह रहे वाह तू है बॉलर, तू जो स्लोर वन भी 253 की मार रहा है, वाह यू चाहिए वो इंडिया टीम में, क्या तू तो विश्व के सगड़े बल्लेबाजन की ऐसी तैसी मार कर धर देगा है। तो फिर मैंने विराट कोहली सर के मैं एक प्यारी सी स्माइल करके के अच्छे सर ऐसी ऐसी बात है। तो फिर वहाँ पे आ गए बाबर आजम, हाथ मिलाने आए विराट कोहली सर से, कहे सर हम तो जा रहे हैं, हम तो बाहर रह गए वर्ल्ड कप के, तो हम जा रहे हैं। तो मेरी सगरी बात विराट कोहली सर ने बाबर आजम ने बता दी कि अगली बार तुम जब हमते खेलोगे ना इंडिया टीम से, जब भी खेलोगे तो हमारी टीम में यू भज्जी खेलता दिखेगा तुम्हें। तो फिर बाबर आजम ने कही या में ऐसी कौन सी बात है जो इंडिया टीम में खेलेगा। तो फिर बाबर आजम को बताई विराट कोहली सर ने, याने अभी मोकू 353 की स्पीड से बॉल फेंकी। तो फिर बाबर आजम पता हो मोते का बोले? हाँ का बोलो बाबर आजम? वाने मोते कही या मादर चोद ने, या मादर चोद ने 353 की बॉल फेंक दी। तो फिर मैं आग बबूला है वो, तो मैंने कही अब तू खेल कर दिखा मेरी बॉल। बाबर आजम हाँ हम खेल लेंगे तेरी बॉल है, तू कोई नवाब है। तो फिर मैं भी गुस्सा में और विराट कोहली भी गुस्सा में, विराट कोहली सर ने मोते कही क्या कराया को बॉल भज्जी जैसे मोको कराई अभी। तो फिर जैसे ही मैंने वाकू बॉल कराई, हाँ फिर क्या हुआ? और फिर जैसे ही मैंने गुस्सा में बॉल फेंकी वाकी 425 की स्पीड, तो फिर वाकी तांगन में लग गई जा रही। वो तो शुक्र है वाले पेड़ पे रखे, तो पेड़ में जैसे बॉल पड़ी ना तो भी वाकी टांग टूट गई। टूट गई टांग? और क्या 425 की कोई स्पीड ही ना हो तो टांग टूट गई, पेड़ 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 का करेंगे फिर। फिर तो तू बेटा धूम धूम मचा देगा इंडिया टीम में। अब तो धूम मचानी पड़ेगी, अब भाई इतना बना दियो मैंने। तो अब चले बहुत टाइम है, घर चलूं मैं तो है। हाँ अब मुझे भी घर चलना चाहिए, बहुत टाइम है, मेरे घर वाले भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बना दिए चूतिया बड्ढे। बताओ भज्जी की बात में तो नहीं फंस जा रहा कोई। अब कामिल को दो ने चूतिया बना के। अरे मजा आगो मुको और कामिल को। मजा आगो तो।